लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसका नाम है ASTR, एस्टर। एस्टर जो है, एस्टार भी बोल सकते हैं इसको। यो ये है अपने हॉबी पे लिस्टेड पहले से, अगर आप वंडर कर रहे हैं कहाँ खरीद सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो मार्ट में पुराने हैं तो आपको पता है मैं हॉबी ग्लोबल हमेशा रेकमेंड करता हूँ, बहुत बढ़िया एक्सचेंज है। और इस पे वो सारे कॉइन्स जो हॉबी पे आते हैं वो देर सवेर बिनांस पे आते ही आते हैं। और पुराने कॉइन्स जो ट्रेड हो रहे हैं काफ़ी दिनों से, उनका प्राइस प्रिडिक्शन करना तो बहुत आसान होता है और काफ़ी लोग चार्ट देख के बता देते हैं। बट मैं आपको क्रिप्टो मार्ट में वो सारे नए लिस्टेड जो कॉइन्स होते हैं वो बताता हूँ। आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, यहाँ नीचे आके सारे बिनांस के न्यू लिस्टिंग से रिलेटेड वीडियोज़ ही होते हैं मेरे पास, और उनके प्राइस जो मैं बोलता हूँ वो जाता ही जाता है। तो अगर आप क्रिप्टो मार्ट में नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसको सब्सक्राइब नहीं करने से आप मिस कर सकते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। और मैं फ्री में सिग्नल्स भी देता हूं। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्रिप्टो मार्ट इंडिया उसका नाम है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। बात करते हैं इस कॉइन के बारे में और इसकी प्राइस क्या हो सकती है, इसकी ट्रेडिंग कब शुरू होगी। कॉइन का नाम है एस्टर, और ये बाकी कॉइन्स के तरह ही है, जो हमारे इसके सिमिलर प्रोजेक्ट हैं जो पोलका डॉट पे बने हुए हैं, और बहुत सारे चेन को कॉम्बिनेशन करके एक चेन बनता है। यहाँ देख सकते हैं, ए स्टार इज अ डी एफ हब ऑन पोलका डॉट दैट सपोर्ट्स इथीरियम वर्चुअल मशीन, वेब असेंबली, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेयर टू सोल्यूशंस लाइक JK रोलअप्स। तो ये भी वही प्रोजेक्ट है, मल्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो ऑल टाइम लो है 0.08 और ऑल टाइम हाई है 0.42। मैं हमेशा इन चीज़ों को आपको बताता हूँ कॉइन गेको पे देखने के लिए। और ये कहाँ कहाँ लिस्टेड है, गेट पे लिस्टेड है, OKX, हॉबी, कूकॉइन, इन सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। इसकी बात करें आखिर ये प्राइस क्या जा सकता है, अभी के टाइम पे इसकी ट्रेडिंग चल रही है 0.147, और मुझे लगता है ये कोई बहुत अप नहीं है, और आप इसमें 5%, 7%, 10% का गेन देख सकते हैं। ट्रेडिंग इसकी शुरू होगी आज ही इंडियन टाइम में 5 o'clock इवनिंग को, 5 PM की ट्रेडिंग है। अगर आप उससे पहले प्रॉफिट मिलता है तो इसमें बुक कर सकते हैं और इससे एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि जब ट्रेडिंग शुरू होता है वो न्यूज़ ख़त्म हो जाता है और प्राइस डंप भी कर जाता है। और इसकी प्राइस जाने की अगर बात करें तो अभी मुझे लगता है ये 0.171 जा सकता है। याद रखें, नए लिस्टेड जो कॉइन होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं और आपके फंड डूबने के चांसेस हो सकते हैं। जब से ये हॉबी पे लिस्ट हुआ इसने डिप लगाया था 0.08 का, और वहीं है इसका ऑल टाइम लो, और उसके बाद से अगर आप देखें तो ये गेन करना धीरे धीरे शुरू कर चुका है, और उसके बाद इसकी लिस्टिंग बिनांस पे भी हो गई है। तो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट हमें गेन, अगर आप या तो लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो आपको ऑल लो पता है और बिनांस की लिस्टिंग है, तो आप या तो इसको ट्रेडिंग शुरू होने के पहले प्रॉफिट बुक कर लें, या थोड़ा डिप का भी जब इसकी लिस्टिंग ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद कुछ 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का गैप करके भी देख सकते हैं और इस प्रोजेक्ट में भी एंट्री ले सकते हैं। मैंने इनका वेबसाइट भी चेक किया और मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। साथ ही मैं इनकी कम्युनिटी भी देखता हूं कि आखिर इसमें कितने टेलीग्राम मेंबर्स हैं और कितने ट्विटर फॉलोअर्स हैं, जिससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट 26,000 लोग यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा इसका ट्विटर हैंडल भी आप चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं 216K फॉलोअर्स हैं, जो कि काफ़ी बड़ा फॉलोअर लिस्ट है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लग गया हो तो इसको लाइक करें, और कोई डाउट हो तो आप जो हमारा टेलीग्राम है उसमें आके एडमिन से पूछ सकते हैं और आपको हेल्प कर दिया जाएगा, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ गुड डे।